आज इस वीडियो में मैं उन सभी डॉग ब्रीड्स के बारे में बात करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं जिन्हें इंडिया में अभी अभी बैन कर दिया गया है लास्ट वीक। यहां पे आप इंग्लिश मैस्टिफ, बुल मैस्टिफ, रॉटवाइलर, डॉबरमैन पिंचर और ग्रेट डेन को भी देख सकते हैं। ये लगभग वही सारी ब्रीड्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बैन कर दी है। गैज, ये डॉग ब्रीड्स इतनी ज़्यादा मैजेस्टिक है कि इनको आप क्लोज देखना एक प्रिविलेज जैसा है, पर फ्यूचर में हो सकता है कि जिसको भी इन्हें देखना हो उन्हें फॉरेन ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसी वीक जो है 23 डॉग ब्रीड्स को बैन कर दिया है। इसका मतलब है कि इन डॉग ब्रीड्स को इंडिया में रखना, इंपोर्ट करना, ब्रीड करना बिल्कुल इलीगल है। गाइस, इस वीडियो में मैं आगे जिन सारी डॉग ब्रीड्स को बैन किया गया है उनके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ और पिक्चर्स भी दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि इसमें आपका डॉग तो नहीं है। आइए देखते हैं। ये है पिटबुल टेरियर गाइस, उसके बाद अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर को भी बैन कर दिया गया है, टोसा इनू जिसका ओरिजिन जो है जापान है, फिला ब्राजीलियो जो कि ब्राज़ील का डॉग है, डोगो अर्जेंटिनो नाम से ही आप समझ सकते हैं अर्जेंटीना का डॉग है। इस लिस्ट में अगला डॉग जो है अमेरिकन बुल डॉग है गाइस। उसके बाद ये बोरबेल जो कि एक मैस्टिफ ब्रीड का डॉग है, ये कंगाल शेफर्ड है जिसे टर्किश कंगाल के नाम से भी जाना जाता है, ये सेंट्रल एशियन शेफर्ड है। उसके बाद कॉकेशियन शेफर्ड जो कि सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता है, और ये साउथ रशियन शेफर्ड है। टोन जैक जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, इसे बैन कर दिया गया है। ये सांप लानी नाक है, इसको भी बैन कर दिया गया है। उसके बाद जापानीज टोसा, अकीटा जिसे आप अमेरिकन अकीटा के नाम से भी जानते होंगे, उसके बाद रॉटवाइलर जो कि बहुत ही फेमस डॉग है इसको बैन कर दिया गया, इसका ओरिजिन जर्मनी है। उसके बाद रोडेशियन रिजबैक अफ्रीका का डॉग, इसे बैन कर दिया गया है। वोल्फ डॉग यानी कि वोल्फ हाइब्रिड जितने भी है उन्हें बैन कर दिया गया है। याकबाश है गाइस, प्योर वाइट डॉग, इसे भी बैन कर दिया गया है। लिस्ट में अगला नाम मॉस्को गार्ड डॉग काने कोर्सो जो कि इटालियन ब्रीड है, और प्रेसा कनेरियो है, ये भी इटालियन ब्रीड का डॉग है गाइस। तो ये लिस्ट 23 डॉग्स की है जिन्हें बैन कर दिया गया है। इसके अलावा टू ब्रीड्स ऐसी हैं जिनकी सब ब्रीड्स को भी बैन कर दिया है, जैसे कि मैस्टिफ और टेरियर। मैस्टिफ में गाइस आपको जान के हैरानी होगी कि 14 से ज़्यादा ब्रीड आती हैं, और टेरियर में भी इसी तरह का केस है। गाइस, ये जो डॉग अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये काने कोर्सो है, ये भी मैस्टिफ ब्रीड का डॉग होता है, इसको भी बैन कर दिया गया है। इसकी जो बाइट फोर्स होती है वो 700 PSI तक जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉटवाइलर है जो कि जर्मनी का डॉग है, इसे भी बैन कर दिया गया इंडिया में, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसी तरह से 23 फिरोशियस डॉग्स को कहा गया है कि इंडिया में बैन किया जा रहा है, जिनमें उनकी सब ब्रीड भी आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं दुख की बात है, क्योंकि सारे डॉग जो है अग्रेसिव नहीं होते हैं। गाइज, ये जो ब्रीड आप देखने जा रहे हैं ये इंग्लिश मैस्टिफ है। इंग्लिश मैस्टिफ जो है मैस्टिफ्स में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डॉग माना जाता है, इसका वेट जो है 100 kg तक जा सकता है। एंशियंट टाइम पे इसे वॉर डॉग की तरह यूज़ किया जाता था, मतलब इसे फाइटिंग में यूज़ किया जाता था। साइज से ही आप ह्यूमन के कंपेयर कर सकते हैं कि इसका साइज कितना ज़्यादा होगा। उसके बाद आप जो ये डॉग ब्रीड देख रहे हैं ये अमेरिकन पिटबुल है, इन्हें भी बैन कर दिया गया है इंडिया में। अब मैं तो इन्हें पास से देख चुका हूँ, पर फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत लोग इन्हें ना देख पाएँ, क्योंकि अब इन्हें इंडिया में पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है। गाइज, इस बैन को लगाने के पीछे कारण बताया जा रहा है जो राइजिंग नंबर ऑफ डॉग अटैक्स हैं, जिन्हें आप न्यूज़ में अक्सर ही देखते होंगे कि आज डॉग ने यहाँ अटैक कर दिया, इस पर अटैक कर दिया, इसके कारण इन्हें बैन किया जा रहा है। गाइज, अगर आपके भी पास इस लिस्ट में आने वाले डॉग्स में से कोई डॉग है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप उन्हें रख तो सकते हैं, पर उसके लिए आपको उन्हें स्टेरलाइज या न्यूट्रेट करवाना होगा, जिसके कारण आगे कोई फर्दर ब्रीडिंग ना हो सके। इस बैन के ऊपर गाइज लोगों का अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैन लगाना सही है, उनका कहना है कि इससे क्या होगा कि इंडियन स्ट्रे डॉग्स को लोग अडॉप्ट करेंगे और शॉप कल्चर जो है वो खत्म होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्ट्रे डॉग्स की सेफ्टी और उनके पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लॉ बनाना चाहिए। आप इस बैन को कैसे देखते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।